गुजरते समय के साथ सबके शरीर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। उनमें से एक है नसों का दब जाना, जिसे मेडिकल भाषा में कॉम्प्रेस्ड नर्व भी कहा जाता है। यानी गलत तरीके से बैठने या सोने से लेकर अचानक रूप से चोटिल हो जाने के कारण भी हो सकती है। नस दबने का मुख्य कारण हड्डियों का कमजोर होना भी होता है, जो बढ़ती उम्र के कारण भी हो सकता है। ऐसी स्थिति अक्सर गर्दन, कंधों या कमर के हिस्सों में ज्यादा होती है। नस दबने के कारण ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पाता, जिससे नसों में सूजन और ब्लॉकेज हो जाती है। इससे आपको झुनझुनी, सुन्नता और दर्द महसूस हो सकता है। कई बार ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि मरीज को रोजमर्रा के काम करने में भी मुश्किल आने लगती है। वैसे तो हल्की सी दबी हुई नसें घर पर देखभाल से ही ठीक हो जाती हैं, लेकिन अधिक गंभीर मामलों में चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि इस समस्या से निपटने के घरेलू नुस्खे के बारे में प्रसिद्ध हकीम सुलेमान जी से। एक रॉ मटेरियल है जिसे हम गौंद स्याह कहते हैं, यानी स्याह कहते हैं काले को, गौंद स्याह कहते हैं या काला गौंद भी कहते हैं, काला गौंद या गौंद स्याह। ये ब्राउनिश कलर का होता है, ब्राउन कलर का, और जायके में बहुत कड़वा होता है। कोई गौंद कड़वा नहीं होता, लेकिन ये इतना कड़वा होता है कि मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी दवा नहीं देखी। ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें और इसकी गोलियां बना लें, पाउडर बना के चने या मटर की बराबर, एक गोली सुबह नाश्ते के बाद, एक रात को, पानी से या बगैर चर्बी के दूध से आप खाना शुरू करें। ये 100-200 ग्राम गौंद ख़त्म होते होते आपकी तबीयत ठीक होना मुमकिन है।